टू माई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आज उत्तराखंड नैनीताल हाईकोर्ट में BDO BPDO को लेकर सुनवाई थी। जी हाँ, क्या नतीजा रहा, पूरी खबर क्या है, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मेरे साथ आपने अंत तक बने रहिएगा, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले, आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेली जो है लिस्ट है, यानी कि कौन कौन से यहाँ पर केसेज हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लिस्ट है। तो सबसे नीचे हम स्क्रॉल डाउन करते हुए आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केस नंबर 53। यहाँ पर आप देखिए, ये जो है केस नंबर 53 था। अब यहाँ पर केस में आज क्या क्या हुआ बनाम आप देख सकते हैं, स्टेट ऑफ उत्तराखंड थ्रू सेक्रेटरी एजुकेशन देहरादून एंड अदर्स। तो यहाँ केस की सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ, हमने एक लॉन्ग वीडियो है काफ़ी, तो हमने वो अपने टेलीग्राम के ग्रुप में शेयर किया, तो वहां से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट में इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हेयरिंग कंप्लीट नहीं हो पाई। जी हां, आपने सही सुना, आज हेयरिंग पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाई ही, और ये आशंका जताई जा रही थी कि आज ही पूरी हेयरिंग हो जाएगी, फाइनल डिसीजन आ जाएगा। क्योंकि आपको याद हो, 9 जुलाई को इसका एग्जामिनेशन होने वाला है, यानी इसका री एग्जाम होने वाला है। आयोग ने आज ही जो है एडमिट कार्ड इशू कर दिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो जज साहब थे काफ़ी जो स्टेट के खिलाफ और जो सेक्रेटरी है उनसे काफ़ी नाराज़ नज़र आए, क्योंकि यहाँ पर जो जिस हिसाब से जज साहब का मूड है, उस वीडियो को आप देखिएगा जिसमें काफ़ी उनका मूड जो है परिवर्तन होते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि काफ़ी फैक्चुअल और डिसफैक्चुअल चीज़ों पे लगातार उस हियरिंग में बात हो रही है। काफ़ी जज साहब सेग्रीगेशन को लेकर कह रहे हैं, इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जो कैंडिडेट गए हुए हैं हाईकोर्ट में, वो सेग्रीगेशन को ही लेकर गए हुए हैं, जबकि स्टेट जो है इसके लिए जो है राजी नहीं है। और स्टेट ने यहाँ पर कहा कि 2 से 2.5 लाख के आसपास जो है कैंडिडेट ने एग्जाम दिया, कैसे हम चेक करेंगे कि व्हाट्सएप से कितने लोगों को गया, तमाम इस तरह की उसमें हेयरिंग हुई है। फिलहाल स्टेट जो है सेग्रीगेशन के मूड में नहीं है, लेकिन जज साहब सेग्रीगेशन के मूड में है। हालांकि कंप्लीट हेयरिंग नहीं होने के कारण जो है यहाँ पर डिसीजन आज नहीं लिया गया, और कल इसकी हेयरिंग फिर से है। जी हाँ, कल यानी कि 4 जुलाई को इसकी हेयरिंग फिर से है, और 5 जुलाई को आपने ध्यान दिया होगा वन दरोगा की जो इमरजेंसी लगी हुई थी उसके ऊपर हेयरिंग है, और उसके अलावा फाइनल डिसीजन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जज साहब का कहना है कि जब तक कंप्लीट हेयरिंग नहीं होती उसका वो फाइनल डिसीजन नहीं दे सकते। लेकिन जज साहब ने इतना ज़रूर कहा है कि इसकी वो फाइनल जो भी होगा 9 तारीख से पहले दे देंगे, क्योंकि 9 तारीख को आपने देखा होगा कि पेपर है, आज आयोग ने एडमिट कार्ड जारी कर दिया है, तो इसका मतलब एग्जाम 9 तारीख को ही होना है। अगर पोस्टपोन होना होता तो एग्जाम पोस्टपोन हो गया होता कांवड़ यात्रा के द्वारा की वजह से, लेकिन यहाँ पर हेयरिंग भी चल रही है, तो जज साहब ने कहा कि किसी तरह से वो इसको 9 तारीख से पहले सॉल्व आउट कर लेंगे। तो कल क्या होता है हेयरिंग में, हमारी प्रॉपर नज़र इस पर बनी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और हाँ, टेलीग्राम पे उस वीडियो को आप एक्सेस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। थैंक यू।